अभी हम कहते हैं कि हमें विकल्प है कि हम जैन दर्शन के विद्वान तैयार करें, क्योंकि जैन दर्शन नहीं तो खत्म ही हो जाएगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा, उसके जानकार रहना चाहिए। और जो जैन दर्शन के लिए अपना जीवन लगा रहा है उसके लिए जो भी सुविधाएं हमसे बनेंगी हम जुटाएंगे क्या। अब आप कहते हमने वे सब सुविधाएं जुटाई, एक आता है कि नहीं साहब हमारा बच्चा है और वो उसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन वो बहुत शुद्ध खाना खाता है, तो आपके खाने भोजनालय में खाने की सुविधा दे दो और ठहरने की भी दे दो। हम कहते नहीं दे सकते, क्यों, आपका क्या है, कैसे है, ये भी पढ़ाई है, वो भी पढ़ाई है। ये पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई है। तो एक सुविधा हम तुम्हारे विद्यार्थी को देंगे तो एक हमारे विद्यार्थी कम भर्ती कर पाएंगे। ऐसे ऐसे 100 आदमी वैसे हो जाते तो तुम 100 ही रह जाओगे ना, तुम्हारी सीटें 200 से 100 रह जाएंगी कि नहीं रह जाएंगी, हम वो नहीं कर सकते। नहीं सर, वो शुद्ध खाना खाता है, हम शुद्ध खाना का प्रचार करने वाले नहीं हैं। वो शुद्ध खाना खाता है तो तुम एक बढ़िया यहाँ पर छात्रावास खोलो और शुद्ध खाने की व्यवस्था करो और उन सबको ठहराओ। हमारा शुद्ध खाना हमारे विद्यार्थी भी खाते हैं, लेकिन शुद्ध खाने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, क्या कह रहे, ये तत्व ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है और उस वक्त खाना देना पड़ता है तो हम वो अशुद्ध क्यों देंगे। तुम कहोगे हमें अशुद्ध चाहिए तो कहें हमने तुम हमें हम तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देंगे, तुम कहोगे हमें तो आलू तो बनना ही चाहिए। अभी मैं ऐसी बात मेरे दिमाग में आ रही है, कह दूँ शांति जी, सच्ची घटना है। मैं इधर आया था, यहाँ एक छात्रावास खुला था, उस कमेटी समाज के सब बड़े बड़े लोगों को मैंने बुलाया था, उनके नाम मैं नहीं बताऊँ, पहले इस वक्त यहाँ के टॉप के थे, ये 50 साल पुरानी बात है, सही घटना बता रहा हूँ। मेरे इसी ऑफिस में बैठे थे, मैंने घर से चाय बनवा के बुलाई थी, चाय सामने रखी थी और उनमें से एक आदमी बोले कि छात्रावास चलाना है तो रात्रि में भोजन और आलू वगैरह तो देने ही पड़ेंगे, इसके बिना छात्रावास नहीं चल सकता। बहुत बड़े आदमी ने ये प्रस्ताव रखा और बाकी के बड़े आदमियों ने उसका समर्थन किया। तो मैंने ये कहा कि जब तक इस बाउंड्री के भीतर मैं हूँ तब तक तो ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता, और मैं नहीं रहूँगा तो आप चाहे जो करना जो कुछ आपको करना। बोले आप समझते हैं सब सबके घर में बनते हैं, कौन आके रहेगा आपके यहाँ, नहीं कोई नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, हम तो निकालेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा खाना हमारा ऐसा है ऐसा है, फिर जो आएंगे उनको रखेंगे, नहीं आएंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। आप कह रहे बंद कर दो, यदि आपको ऐसा करना है तो हो जाएगा बंद। तो साहब वो सब लोग इतना नाराज हुए, देखो कि वो हमारी चाय रखी थी उनने चाय नहीं पी और सब उठ के चल दिए। भगवानी जी ये सच्ची घटना है इसी स्मारक के भीतर की। मैंने कहा गोदगा जी थे पाटनी जी थे, फिर तो दोनों जने बोले नहीं। मैंने कहा गोदगा जी पूज गुरुदेव श्री ये मानेंगे कि यहाँ आलू बने और रात्रि भोजन हो, हम तो पूज गुरुदेव श्री के कहने से आए हैं इसलिए हम तो यहाँ ये बात नहीं करेंगे। सब चले गए, सबसे यहाँ से चले गए, उधर तक जो भी जिसने कही वो कहते गए और वो जो बोला चौराहा है ना, इस चौराहे पर वे खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे और गोदगा जी से कह रहे थे कि तुमने कहाँ किस कैसे आदमी को बुलाया, हम सब बुजुर्ग लोग, ये कल का छोकरा और ये हमसे ऐसी भाषा में बात करता है कि जब तक मैं इस बाउंड्री के भीतर हूँ यहाँ ये नहीं हो सकता है। उनने सब ने गोदगा जी से कहा किसको बुलाया आप। गोदगा जी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बाद में बोले कि देखो भाई होगा तो वही जो डॉक्टर साहब चाहेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोचो जो आपको करना हो, ऐसा गोदगा जी ने वहाँ कह दिया, इसी चौराहे पर खूनी चौराहा कह दे ना, ये खूनी चौराहे पर कह दिया उन्होंने और सब चले गए अपने अपने घर।
हमारी चाय हम अकेले कितने कप चाय पीते हैं पड़ी रही, मीटिंग खत्म हो गई, क्या होगा अब हम शाम तक हम सब भी शांत रहे। तो शाम को हम यहाँ से घूमते घूमते गोदगा जी के घर गए, क्योंकि उस वक्त साधन तो थे नहीं हैं कि हम जाएँ। तो घूमते घूमते शाम के टाइम गए तो गोदगा जी वहाँ बैठे थे अपने, वो मकान था ना, वो बंगला तुमने देखा नहीं तो टूट टाट गया, उसके आगे वो बना था ना ऐसा, उस पर बैठे थे, तीन चार कुर्सियाँ पड़ी थीं और डंडिया जी भी वहाँ बैठे थे। हम वहाँ पहुँचे, हम देखना चाहते थे कि अभी क्या हुआ है कैसे, हमें वो मालूम नहीं था। गोदगा जी ने ये कह दिया है कि होगा तो वही जो डॉक्टर साहब कहेंगे, मालूम नहीं था हमें, क्योंकि वो तो उन्हीं उन्हीं के बीच में बात हुई थी ना। तो हम जाते ही फिर डंडिया जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम लोगों से जो कुछ भी हो गया आपका अभिनय पर ऐसा ऐसा, उनने हमसे ऐसी बात करी, क्या हो गया, क्या बात है, कैसी बात है गोदगा जी ने, क्यों नहीं नहीं हमने हमको हम गलत समझ गए, हम ऐसा समझ गए, ऐसे बात करके ख़त्म हो गई बात। फिर गोदगा जी ने हमें बाद में बताया जब वे चले गए कि मैंने ऐसा ऐसा कह दिया था। इसके पहले के ये फर्स्ट मीटिंग का है ये, समझे ना कैसे शुरू हुआ है कि सात्विक वृत्ति। और तुमने तो अभी तो सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे होते हैं यहाँ, एक भाई ने तो ऐसा बढ़िया प्रस्ताव रखा था, गोदगा जी के दोस्त थे, इतना बड़ा हॉल है इसमें 100 मशीनें रख दो, क्या कपड़ा सीने की, तो 100 विधवाओं को बैठा दो, उनकी आजीविका लग जाएगी और वे सब लोगों के पेटी बिलाओ सींग सींग के देंगे, ऐसा भी प्रस्ताव आया था। हमें नाम नहीं बताता हूँ किसने किया था है? फिर मैंने गोदगा जी से कहा कि आप चिंता मत करो, ये हॉल बहुत बड़ा है तो भरेगा नहीं, तो महिलाओं से भर दो, उन मशीनों से भर दो, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, एक दिन में थोड़ा थोड़े दिन कम खा जाओ, मैं ये हॉल मूक्ष्मों से भर दूंगा, ये मैंने गोदगा जी से कहा। ये हॉल में मोक्षों से भर दूंगा, तो यहाँ ज्ञान की चर्चा होगी और सब लोग उसे पढ़ेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे, जो आप चाहते हो वो सब होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और बताऊँ क्या क्या हुआ, एक दो आदमी आए, बोले इतना बड़ी छत है इस पर तो 100 बोरी बीड़ी के पत्ते सूख सकते हैं तो बीड़ी बनती है उसके पत्ते तोड़ के आते हैं और उन्हें सुखा करके फिर बंडल बनाए जाते हैं, वो सागर के वाले सेठ थे ना, तो बीड़ी के सेठ थे, तो बोले इस छत पे तो इतने बीड़ी के पत्ते सूख सकते हैं, किसी को मिर्ची सूखना दिखती थी, किसी को बीड़े के पत्ते, किसी को वो जो मशीनों का काम करता था ना दर्दी का, उसे सब मशीनें भरना दिखती थी, जिससे जिसका जो काम था उसको वो दिखता था। मैंने कहा मैं तो सब मुमुक्षुओं से असली आत्मार्थियों से भरूंगा, मैं डॉक्टरों से नहीं भरूंगा, इंजीनियरों से नहीं भरूंगा, ये तो नहीं था, यूनिवर्सिटी के बगल में बैठे हैं, यहाँ पर लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, और सबको ठहरना है, इन सबके मकानों में किराए से लेके रहते हैं, और एक एक को 10-10 हज़ार रुपये महीना देना पड़ता है, जितनी जगह में तुम रहते हो जिस सुविधा के साथ, अभी जाके बाहर रह के देखो तो 10 हज़ार रुपये महीने से कम में नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए वो जगह। थोड़ा अनुभव करने के लिए हम, जब तुम बीएड करते हो तो हम कोई सुविधा नहीं देते हैं कि जाके बेटा थोड़ी दुनिया देख तो लो कि तुमने 5 साल तुम्हें क्या सुविधा मिली है। मैं कह बीएड नहीं, बीएड को भी नहीं, मैं जो तो जैन दर्शन का शास्त्री करेगा उपाध्याय करेगा, बस वही यहाँ पर रहेगा, वही खाएगा वही पिएगा और कोई नहीं रहेगा। कितनी मैंने मजबूती से दृढ़ता से अपनी जान की बाजी लगा करके इस बात को मैंने रखा है, आज तक मुझे चिंता है कि कल कोई ये रह पाएगा कि नहीं। पहले तो मैंने कहा था सबसे, एक दफ़े फिर कह देता हूँ कि मैं तो लिख के रख जाऊँगा कि ऐसा ऐसा करना, फिर कोई मानेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, मेरा कोई वो तो मेरा बस चल नहीं सकता है, क्यों
यदि आप समझते हैं कि मैंने 50 वर्ष में कुछ हुआ है और अच्छा काम हुआ है, समाज को विद्वान मिले हैं, आप लोगों को मुक्ति मार्ग मिला है, तो फिर हमेशा इसको ऐसे ही चलाना। मैंने परमात्मा से, बदली से, सबसे कहता हूँ कि तुम ऐसे ही चलाते रहो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम नए नए माथा मत मारो कि और क्या करना, और क्या करना, और माथा मारो ना, ये ज़रूरत नहीं है। इसको ही चलाते रहो, अपनी जी जान लगा करके, पूरी शक्ति लगा करके ढंग से, तो समझ लो तुमने बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे भरोसा है, कहता हूँ मैं, कि 50 साल तो जो और चलेगा कम से कम। भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं 50 साल तो भारतीय जनता पार्टी का राज केंद्र में भी रहेगा और यूपी में भी रहेगा। मैं कहता हूँ मेरा राज टोटल स्मारक में 50 साल तो रहेगा। मेरा और कुछ नहीं है, मुझे तो ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुँचे, इसके विद्वान तैयार होते रहें, उनको ही सब सुख सुविधाएं यहाँ मिलें, और वे पूरी तरह से इसके जैन धर्म का अंदर से प्रवेश करें, बस ये है। और मेरा कुछ नहीं है, मुझे और कुछ नहीं करना है कि मेरे लिए मेरी आज्ञा माज्ञा क्या करना मेरी आज्ञा को। आज तुम लोग इतने दिनों से मेरे पास आके रहते हो, मैं तो पहचानता नहीं किसी को, क्या आज्ञा दी मैंने, एक गिलास पानी मांगा किसी से, क्या किया, क्या आज्ञा दी, क्या अपेक्षा है मुझे, कोई अपेक्षा नहीं है मुझे किसी से कि आप मेरा बदले में ऐसा करोगे इसलिए मैं आपको लिए ये करूं। आपके लिए नहीं करता हूं मैं, तो जैन दर्शन के लिए करता हूं, ये जैन तत्व ज्ञान जिंदा रहे इसके लिए करता हूं। आप समझिए ना, आप पर कृपा करके नहीं करता हूं, आप नहीं करोगे तो दूसरे दिन निकाल बाहर कर दूंगा। आप करते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, अच्छी बात है। और ये ऐसा ही चलता रहे, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात खत्म करता हूँ।